Hello everyone. Yes, Peter, today we are going to complete our exercise 7.5 from question number 6. Find dy upon dx when log of xy is equals to x square plus y square. Okay. Log of xy is equals to x square plus y square. यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं. log x plus log y, log m into n का होता है log m plus log n. अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. log x का 1 upon x, log y का 1 upon y, y का dy upon dx, x square का derivative 2x, y square का 2y, और y का dy by dx. अब क्या करने वाले हैं, dy upon dx वाली term को एक साइड अरेंज करने वाले हैं, without dy upon dx वाली को एक साइड. dy upon dx common आ रहा है बेटे यहां से, क्या रह गया 1 माइनस वाई अपॉन टू वाई माइनस टू वाई. यहां से x अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1. यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा dy अपॉन dx y 1 माइनस 2y स्क्वायर. बस लास्ट स्टेप पेंडिंग है बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y into 2x square minus 1, ये y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x into 1 minus 2 y square, ये आपका आंसर है. log m into n को log m plus log n लिया, x square plus y square, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, log x का 1 upon x, log y का 1 upon y, y का dy upon dx, x square का 2x, y square का 2y, y का dy upon dx. फिर अरेंज किया dy by dx वाली टर्म को एक साइड, विदाउट dy by dx वाली टर्म को एक साइड, 1 upon y dy by dx minus 2y dy upon dx. 2x ऑलरेडी यहाँ पे है, ये 1 by x पॉजिटिव फिगर आती क्या हो गया माइनस हो गया. dy by dx taken common, 1 upon y minus 2y is equals to taking LCM x 2x square minus 1. सॉल्व किया है आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Yes, Peter. If x dot log y plus y dot log x is equals to 1, x dot log y plus y dot log x is equals to 1, prove that. ये prove करना है, ये बाद में देखते हैं, पहले इसको solve करना start करते हैं. Okay, Peter. X as it is y का 1 upon y plus, sorry, x as it is y, log y का 1 upon y और y का dy by dx plus log y as it is x का 1, okay, plus y as it is log x का 1 upon x plus log x as it is y का dy by dx, और 1 का constant, constant का derivative 0 होने वाला है, clear है आप सबको. उसके बाद x upon y dy by dx क्या करने वाले, dy by dx वाली term को एक साइड अरेंज करने वाले हैं, minus log of x plus का y upon x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा minus का y upon x, प्लस कर लो भाई इधर आके माइनस कर लो. टेकिंग dy by dx कॉमन, x upon y माइनस log x, टेकिंग माइनस कॉमन, y upon x प्लस log y, टेकिंग LCM x y plus x log y. ओके, यहां पे भी हमें y एलसीएम लेना है, x minus y log x, so dy upon dx x minus y log x upon y, so dy upon dx is equals to ये y इधर आप मल्टीप्लाई हो जाना है y into y plus x log y, और x ऑलरेडी नीचे पड़ा है और ये सारा इधर आके x minus y हो गया और ये ऑलरेडी माइनस साथ में चल रहा है. ये हमें प्रूव करना था, चेक कर लीजिए, माइनस ऑफ y प्लस y log
एक्स प्लस वाई लॉग वाई अपॉन दिस, दिस इज आवर आंसर। ये आपका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को बहुत इजी है। आपने नॉर्मली मेथड अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है और लास्ट में डी वाई बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है और अरेंज करके आंसर आपको ये चाहिए। ओके बेटा, एक्स लॉग वाई, एक्स एज इट इज लॉग वाई का वन अपॉन वाई, वाई का डी वाई हुआ, एक्स प्लस वाई एज इट इज सॉरी लॉग वाई एज इट इज एक्स का वन। अब ये तो हो गया कम्प्लीट, इसका सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। वाई एज इट इज लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज वाई का डी वाई अपॉन एक्स, और वाई कॉन्स्टेंट है जो वन उसका जीरो हो जाएगा। फिर हमने डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड अरेंज कर लिया, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड अरेंज कर लिया। क्लियर है बात? कॉमन कॉमन लिया, एलसीएम लिया और ये आपका आंसर। चेक कर लीजिए ये आंसर आपको मिलेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ log ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, शो दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन x माइनस y। ओके सो log ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। यहां पे आप log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर हाफ लिख सकते हैं, हाफ आगे आ जाएगा वन अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टू टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ओके log of this means 1 upon this x square plus y square, derivative of x square plus y square, next step pe karte hain 2, tan inverse x ka hota hai 1 upon 1 plus y square upon x square ho jayega, aur derivative kiska pehle hi hai y upon x ka, u by v lagayenge hum yahan pe, next step mein kar rahe hain 1 upon x square plus y square, haan ji x square ka derivative 2x, y square ka 2y aur y ka dy upon dx, write out next 2. यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो एलसीएम वाला x स्क्वायर है ऊपर आज मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे डेरिवेटिव करना रह गया x स्क्वायर x एज इट इज y का dy / dx माइनस y एज इट इज x का 1। इस x स्क्वायर से x स्क्वायर जा रहा है, 2 कॉमन आगे कैंसिल आउट हो गया। ओके तो क्या बन रहा है अपना आंसर, x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू डी वाई बाय डी एक्स, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वही लास्ट वैल्यू पुट करनी है हमें, अरेंज करना है वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर into dy by dx is equals to minus of x square plus y square minus of x upon x square plus y square, taking LCM x square plus y square, ऊपर क्या बनने वाला है y minus x बनने वाला है, into dy by dx minus common x plus y upon x square plus y square, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट होने वाला है, सेम है इसलिए, सो आवर आंसर इज dy / dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x plus y / y minus x, यहां से एक माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा x plus y / x minus y, दिस इज आवर आंसर। चेक कर लीजिए x plus y / x minus y क्या करना है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी है। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, 1 बाई 2 पावर रूल, पावर आ गई 2, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव इंटरनल पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 टेंजेंट इनवर्स x y / x दैट इज 1 / 1 प्लस दिस वन का स्क्वायर,
यहाँ पे यू वाई भी अप्लाई किया, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक साइड अरेंज किया, ठीक है, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन में वाई माइनस एक्स बना, माइनस कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये आपका आंसर है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। x इंटू वन प्लस वाई प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू जीरो। एक मिनट में चेक कर लेता हूं ये क्वेश्चन। यस, यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं बेटा, यहां पे x और 1 प्लस तो क्या करना है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यस, क्या करना है इस क्वेश्चन में, रूट हटाने के लिए हम स्केयरिंग करते हैं, लेकिन अगर मैं होल स्केयर करूंगा तो टू टाइम्स ऑफ ए इंटू बी रूट आ जाएगा फिर, तो हमें क्या करना है, एक टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना। अब करें स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई, y स्क्वायर वन प्लस एक्स, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई ऑलरेडी है, माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x वाई कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है बेटा, x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। बेटा कंडीशन देख लीजिए ध्यान से, x और y यहाँ पे इक्वल नहीं हो सकते, तो ये जो x माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो के इक्वल है, पर ये जीरो हो नहीं सकता, जीरो कौन होने वाला है, ये वाला पार्ट होने वाला है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा अरेंज करते हैं, टेकिंग y कॉमन इन लास्ट टू, प्लस x उधर जाके माइनस x हो जाने वाला है, y इज इक्वल टू क्या, माइनस x अपॉन वन प्लस एक्स। अब क्या करेंगे इसमें, क्वोशेंट रूल, डी वाई अपॉन डी एक्स, नीचे वाले का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस मैंने बाहर रख लिया, बाद में सोल्व करेंगे इसको, और एक्स का वन, माइनस एक्स एज इट इज और एक्स का वन हो जाएगा, माइनस ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, एक्स इज कैंसिल आउट विद एक्स, सो आवर आंसर इज माइनस ऑफ वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, यस, माइनस ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर आंसर चाहिए। दोबारा बताता हूँ, रूट जब भी आता है हम स्केयरिंग करते हैं, लेकिन ये दो टर्म एडिशन में है, इसको मैंने अपोजिट साइड ले गया एक टर्म को, फिर स्केयरिंग किया, ये बन गया, फिर थोड़ा अरेंज किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स वाई टेकिंग कॉमन इन लास्ट टू, एक्स माइनस वाई टेकिंग एक्स माइनस वाई कॉमन, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई। ओके, तो ये रह गया टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, बट एक्स प्लस x minus y not equals to 0, x plus y plus x y is equals to 0, plus x हो जाएगा कि minus x हो गया, y common ले लिया 1 plus x, y इधर आगे divide, अब last step में differentiation किया, u by v से, और ये आपका answer है। okay बेटा, next question start करते हैं, last question of this exercise, ninth question is very 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 important, okay? If y is equals to this, show that dy upon dx is equals to sine of x upon 1 minus 2y. Y is equals to under root of cos x plus under root of cos x plus under root of cos x
एंड सो ऑन अप टू इनफिनिटी। जो भी ये पार्ट है ना बेटा, लेट कर लेते हैं इंटरनल पार्ट को y। तो क्या क्वेश्चन बन गया, y इज इक्वल्स टू cos ऑफ x प्लस y। इस कंप्लीट को y मान लिया, क्यों? क्योंकि इनफिनिटी में से एक cos x को हमने रिमूव कर दिया, तो भी क्या रहने वाला है, y रहने वाला है। अब करते हैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करते हैं बेटा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड क्या बनने वाला है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos ऑफ x प्लस y, क्योंकि स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो गया। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, cos ऑफ x का माइनस ऑफ sin x, और y का dy अपॉन dx, ये उधर जाके क्या हो जाने वाला है, माइनस हो जाने वाला है। 2y dy by dx माइनस ऑफ dy upon dx is equals to minus of sine of x, okay, taking dy by dx common, क्या बन गया, 2y minus 1 is equals to minus of sine x, so dy by dx is equals to minus of sine x upon 2y minus 1, एक minus common ले लीजिए यहां से, तो क्या बन जाएगा, sine of x upon 1 minus 2y, ये आपका answer है, sine of x upon 1 minus 2y। फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ये कंप्लीट इंफिनिटी तक जा रहा है, एक को हमने छोड़ के बाकी सब को क्या कॉल कर लिया है, y कॉल कर लिया है। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos of x plus y, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y स्क्वायर का 2y, y का dy / dx, cos x का minus sin x, y का dy / dx, ये उधर जाके माइनस हो गया, dy / dx टेकिंग कॉमन, 2y minus 1 sin minus of sin x as it is, dy / dx is equals to minus of sin x upon 2y minus 1, यहां से हमने माइनस कॉमन लिया, तो sin of x upon 1 minus 2, यही आपको आंसर चाहिए। Yes, बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.5 कंप्लीट, ओके।